मजीद मालिक्रम दोस्तों, आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको अलर्ट मोशन की जरूरत पड़ती है, तो उसकी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों चैनल पर नए और पहली बार चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिएगा, हम समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते हैं। सन ऐप ओपन करते ही कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस मिल जाएगा और प्लस के साइड में आपको प्रोजेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PNG इमेज की और बीट मार्के की और शेक इफेक्ट की, इन तीनों को दोस्तों आपको इस तरह से ऐड कर लेना, यानी अलर्ट मोशन में वेरीफाई कर लेना। अगर अलर्ट मोशन में वेरीफाई आपको करते ही नहीं आता, उस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा ऑलरेडी, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफेक्ट कैसे डाउनलोड करें तो मात्र एक मिनट का वीडियो है। ठीक है, वो वीडियो देख के आपको इस तरह से वेरीफाई यानी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको देख लीजिए बीट मार्के पर रहते एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देख लीजिएगा कुछ इस तरह से आपके मार्क कई हो भी आ जाएगा और सॉन्ग भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इधर फर्स्ट माने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए ये वाला प्लस मिल जाएगा, ये वाला, इस प्लस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, प्लस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, देख लीजिए ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना। मीडिया पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा दोस्तों, यानी सारे फोल्डर खुल के आ जाएगा, जहाँ भी आपके फोटो हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, इस तरह से खुल के आ जाएगा। जहाँ आपसे आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ भी आपका फोटो वाला फोल्डर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद देख लीजिएगा आपके फोटो कुछ इस तरह से आ गए। उसके बाद अगर अंदर हो तो इस तरह से आप खिसका के ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह फोटो ले लिया, उसके बाद देख लीजिएगा अपना फोटो कुछ इस तरह से आधी साइज में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल साइज में करना। फुल साइज में करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर फिल कॉम्प्रमेशन एरिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको एरो मिल जाएगा ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर कट कर देना। उसके बाद खाली जगह में आपको टच कर देना। ठीक है, आपको फिर से इस प्लस पर क्लिक कर देना और यहाँ से मीडिया पर क्लिक करके यहाँ से दूसरा इमेज इस तरह से लेना। उसके बाद 3 डॉट बिंदु का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर फिल कॉम्प्रमेशन एरिया 5वें नंबर पर क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना, उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से कट कर देना। ठीक है, इसे कट कर दे, उसके बाद खाली जगह पर टच कर देना, फिर से आपको प्लस पर क्लिक करके तीसरा इमेज भी ले लेना। ठीक है, इस तरह से आपको लास्ट तक इमेज ऐड कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी लास्ट तक ऐड कर लेता हूँ। अगर दोस्तों चैनल पर नए और पहली बार चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रीन शॉट लेकर सेंड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी लास्ट तक फोटो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिएगा मैंने इस तरह से लास्ट तक इमेज यानी फोटो ऐड कर ली। आपको भी इस तरह से लास्ट तक ऐड कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ से इस तरह से बैक चले जाना। ठीक है, बैक गए, उसके बाद आपको देख लीजिएगा शेक इफेक्ट पर रहते एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, शेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके इफेक्ट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको देख लीजिएगा ये वाला फोटो, ठीक है, ये वाला पहले नंबर, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी इफेक्ट नाम का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, इस तरह कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको इस तरह से आपको बैक चले जाना। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से आपको इस तरह से बैक चले जाना। ठीक है, बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा बीट मार्क पर एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ऊपर उठा लेना दोस्तों, इस तरह से देख लीजिएगा, इस तरह ऊपर उठा लेना। उसके बाद आपको इस फोटो पर क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको 3 डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर देख लीजिएगा पेस्ट इफेक्ट नाम का ऑप्शन खुल के आ जाएगा ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, इस तरह पेस्ट हो गए, उसके बाद खाली जगह में कहीं पर भी मिलने वीडियो टच कर देना। उसके बाद इस तरह से आपको आगे आ जाना दोस्तों, देख लीजिएगा इस तरह से और आगे आ जाना। ठीक है, देख लीजिएगा मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से और खींच लेना और यहाँ तक आ जाना। देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ तक आपको आ जाना है, 9:16 आपको टाइमिंग दिख रहा है, इस तरह से आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस फोटो पर क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइमिंग देखना है। ठीक है, टाइमिंग देखने के बाद इस फोटो पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको 3 डॉट बिंदु का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरह पेस्ट कर देना। उसके बाद खाली जगह में आपको टच कर देना। ठीक है,
उसके बाद आपको इस तरह से और आगे चले जाना है, ठीक है। ये वाले फोटो छोड़ देना और इस तरह से और आगे चले जाना और यहाँ तक आ जाना, देख लीजिएगा दोस्तों 11:28 आपको टाइमिंग दिख रहा है, इस तरह आ जाना। उसके बाद इस फोटो पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक कर देना और थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद खाली जगह में आपको टच कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको इस तरह से आगे चले जाना, देख लीजिएगा इस तरह यहाँ तक आ जाना 14:10 तक। उसके बाद इस फोटो पर क्लिक करके इसमें भी ये वाली इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। इस तरह पेस्ट हो गए, उसके बाद खाली जगह में टच करता हूँ, फिर से आपको देख लीजिएगा 1, 2 और 3 बार इस तीर पर क्लिक कर देगा तो यहाँ पर 16:22 तक आ जाना। और इसके बाद इस फोटो पर इफेक्ट पर क्लिक करके इसमें भी इफेक्ट पेस्ट कर देना, उसके बाद खाली जगह में टच कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको इस तरह से आगे आ जाना, देख लीजिएगा 19:04 आपको टाइमिंग दिख रहा है, इस तरह से आ जाना और इस फोटो पर क्लिक करके इसमें भी ये वाली इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना, उसके बाद खाली जगह में टच कर देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपको लास्ट तक दो फोटो छोड़ के तीसरे फोटो में ये वाली इफेक्ट आपको ऐड कर लेना, ठीक है। देख लीजिएगा ये वाली इफेक्ट ऐड हो चुकी है मेरी, ठीक है। इस तरह से आपको भी ऐड कर लेना, उसके बाद इस तरह से खाली जगह में टच कर देना और यहाँ से बैक चले जाना, ठीक है दोस्तों। इस तरह बैक गए, उसके बाद देख लीजिएगा आपको शेक इफेक्ट बाय एडिंग इस पर क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा दूसरे नंबर फोटो, इस फोटो पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है। कॉपी इफेक्ट कर दे, उसके बाद खाली जगह में आपको टच कर देना, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से बैक चले जाना, ठीक है। बैक गए, उसके बाद बीट मार्क बाय रेटिंग्स पर क्लिक करना, ठीक है। उसको क्लिक करना, उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार तीर पर क्लिक करना, उसके बाद इस तरह से ऊपर उठा लेना, ठीक है। इस तरह से ऊपर उठा लेना, देख लीजिएगा इस तरह ऊपर उठा लेना, उसके बाद इस फोटो पर क्लिक कर देना और यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, इस पर क्लिक करके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है। ये पेस्ट हो गई, उसके बाद खाली जगह में टच करता हूँ, उसके बाद अगला फोटो आ रहा है, इसमें भी ये वाली इफेक्ट आपको ऐड कर लेना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों जितने भी फोटो बचे बिना इफेक्ट वाले उन सारे फोटो में ये वाली इफेक्ट आपको पेस्ट कर देने, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी पेस्ट कर देना, उसके बाद इस तरह से आपको पेस्ट हो जाए, उसके बाद इस तरह से आपको बैक चले जाना, ठीक है। जो इफेक्ट अपन ऐड कर लें उनको छोड़ देना और बाकी के सारे फोटो जितने भी बचे उन सारे फोटो में ये वाली इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए बैक आने के बाद PNG इमेज इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए इस पहले नंबर पर इस तरह से दबा रखना, ठीक है। इस तरह दबा रखेंगे तो इस तरह से मार्क हो जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्लिक करना, तीसरे नंबर पर क्लिक करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी लेयर का ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए कॉपी 3 लेयर है, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको इस तरह से बैग चले जाना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से देख लीजिए बैग चले गए, उसके बाद आपको बीट मार्क बाय एंडिंग इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेस्ट 3 लेयर पर क्लिक कर देना, ठीक है। पेस्ट कर दे, उसके बाद आपको इस तरह से आपको लास्ट तक चले जाना, ठीक है। मैं लास्ट तक चले जाता हूँ। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी वीडियो लगी, और कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा इस पर पहले नंबर पर क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये लास्ट तक ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए खाली जगह में टच कर देना, उसके बाद दूसरे नंबर पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना, उसके बाद खाली जगह में टच कर देना, यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्लिक करके इसमें भी कर देना, तो वीडियो अपनी बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एरो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर स्पॉट पर क्लिक कर देना, तो वीडियो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।